सकते हैं कि बीच में इसका कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं से भी हल्का सा भी लचीलापन कहीं से हिल नहीं रहा सर। ये देखिए इसकी क्वालिटी हमारी होती क्या है, मतलब 3 ईयर्स तक कंपनी इसको 3 साल की गारंटी है। कुछ भी टूटा तो आपका टूटा, बिल्कुल बिल्कुल 50% डिस्काउंट है कंपनी के ऑफर तो 50% है जो है वो है। हमारे को कमाने को ये लक्ष्य नहीं है, हमारी सेवा भक्ति का लक्ष्य है। तो किसी प्रोडक्ट में 10% है, किसी में 15% है। कस्टमर को खुश रखने की मेरी कोशिश रहेगी, ना कि हमें कमाने की कोई इच्छा है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास हेड नहीं, तो ये आपका पीछे की ओर हेड सपोर्ट भी है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि साइड में भी एक ड्रॉअर है, क्योंकि पता नहीं चलता सर। जो सबसे अच्छा मुझे लगा ये सेविंग है। टॉम एंड जेरी को कुछ बड़े लोग भी पसंद करते हैं और उसके जो जरूरत पड़ने पे लोग उसको बेड भी बना सके। तो मैं आपको एक छोटा सा सोफा कम बेड भी दिखाऊंगा, आप बेड बना सकते हैं सर। आइए मैं सर को कुछ करके दिखाए। दोस्तों अब फिल्मों जैसे स्टाइल वाले फर्नीचर आप कुशीनगर के पडरौना में भी खरीद सकते हैं। अभी मैं पडरौना में पहुंच चुका हूं और यहां पे पोज फर्नीचर का शोरूम खुल चुका है। मैं आपको अंदर ले चलूंगा, पूरा दिखाऊंगा, यहां के ओनर से आपको मिलवाऊंगा और किस किस टाइप के फर्नीचर हैं, क्या क्वालिटी है, कितना प्राइस है, पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहां का एड्रेस दे दूंगा। अंदर चलते हैं और फिर पूरा डिटेल आपको यहां का वीडियो आपको दिखाता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने गोपालगंज का एक वीडियो दिखाया था आपको कि भाई गोपालगंज में अब आप फिल्मों के स्टाइल में जो फर्नीचर फिल्मों में देखते हैं वो कैसे खरीद सकते हैं, सस्ते में कैसे बढ़िया ब्रांड के फर्नीचर कैसे खरीद सकते हैं गोपालगंज में मैंने दिखाया था आपको। आज वो फर्नीचर का शोरूम सेम उसी टाइप का उसी ब्रांड का भोज का आज पडरौना में खुल चुका है। मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता हुआ, यहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ, गुजरात में रहता हूँ, वहाँ काफ़ी अच्छा खासा व्यापार है मेरा। 30-35 आदमी मेरे पास काम करते हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट है हमको और मैं भी उनको काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। किस टाइप का बिजनेस है आपका गुजरात? वहाँ पर गारमेंट्स का काम है सूरत में। जी मैडम की सोच ये थी कि हम लोग गुजरात में बहुत सारे काम कर लिए, काफ़ी लोगों को सहारा भी किए, काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी किए, तो क्यों ना अपनी मिट्टी के लिए हम कुछ करें, अपने गांव के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा चीज़ लेके चलें जो कि हमारा भी नाम हो और गांव वालों को भी अच्छा चीज़ मिले, शहर वालों को अच्छा चीज़ मिले, ब्रांड मिले। काम में पूरा बिजी थे, फैक्ट्री चल रहा था, यहाँ खींच कर ले आई भाभी जी, अपना एक बार फिर चले जाना। हाँ हम लोगों ने शुरू किया है कि हमारे गाँव के लिए भी कुछ करके दिखाए। मायके हुआ आपका? मायके सिधवा। चलिए काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग अपनी मिट्टी के लिए सोच रहे हैं। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पैसे सारे लोग कमाते हैं लेकिन पैसे कमाते हैं अपनी मिट्टी के लिए कोई काम करे ये बहुत बड़ी बात हो। यहाँ पे बिकी भाई हमारे साथ, पोज जो ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा कंपनी झारखंड बेस्ड कंपनी है, धनबाद में हमारा मैनुफैक्चरिंग है जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है। क्योंकि कंपनी सारी चीज़ों की अपनी मैनुफैक्चरिंग खुद से करती है, जैसे फर्नीचर का हर वो आइटम जैसे बेड सोफा डाइनिंग ऑफिस सेक्शन, तो हर वो चीज़ कंपनी खुद से। हमारा ये कंपनी है जो कि इतने सारे कंपनियों से सर्टिस्फाई है, आप देख सकते होंगे सर स्टैंडर्ड वेयर मेंटेन, मतलब मेंटेन करने के लिए कितने सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और मेरा कंपनी हमारी जो पोज है लोगों को फर्नीचर आज के समय से काफ़ी फैंसी और स्टाइलिश है जो कि अदरवाइज जो हमारे ब्रांडेड कंपनी होती उससे कहीं कम दामों पे कस्टमर को उपलब्ध कराए। आपके ब्रांच कहाँ कहाँ पे है? हमारे सर ब्रांचेस झारखंड बिहार बंगाल उड़ीसा में लाके 30 ब्रांचेस है और ये हमारा यूपी में हमारे ये दूसरा आउटलेट का ओपनिंग हो रहा है। चीज़ें क्या है ना कि अगर आप लोग अगर रेडीमेड फर्नीचर देखते हैं तो लोगों को सबसे ज़्यादा क्या है ना कि पैसा जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि वहाँ हमारे पैसे के मुताबिक वो सामान मिल रहा है कि नहीं। तो मैं आपके माध्यम से वीडियो में बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रोडक्ट है MDA बोर्ड ग्रीन प्लाई की बनी हुई जो कि कंपनी इसमें 3 ईयर्स की फुल गारंटी देती है एज ए पार्ट। अगर कोई भी पार्ट अगर बेड में है आप देख सकते हैं ये बेड हमारा 6.5 किंग साइज का बेड है सर, जो स्टैंडर्ड साइज होता है, इससे बड़ा बेड कंपनी नहीं बनाती सर। अच्छा ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम है? ये फुल हाइड्रोलिक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी स्पेसेस है जो कि अगर बड़े वाले ट्रॉली हो चाहे बैग हो आप आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। और दूसरी खास बात क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया आपके वीडियो के माध्यम से कि मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कंपनी 3 साल की फुल गारंटी कवर करती है। मतलब गारंटी कवर 3 साल का मतलब क्या हुआ ना सर कि आप देख सकते हैं कि बेड में जितनी भी पार्ट्स लगी हुई है एज ए पार्ट्स कोई भी टूट जाता है खराब हो जाता है तो कंपनी वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो 3 ईयर्स के अंदर वो चेंज कर देती है। इसकी मजबूती ये क्वालिटी और 10 ईयर्स तक सर्विस वारंटी सर फ्री है। ऐसे कहने का मतलब है कि एंटी टर्माइट घून दीमक कीड़ा फंगस। अच्छा इसमें लकड़ियों की जब बात आती है जैसे रेडीमेड फर्नीचर में लकड़ियां हम नहीं पहचान सकते कि किस टाइप की लकड़ियां हैं, और कुछ ऐसे लकड़ी होते हैं जो अगर कम्युनिटी वाइज बात करें कुछ धर्म में कुछ लकड़ियां यूज नहीं किया जाता जैसे हिंदू धर्म में नीम का पीपल का वगैरह नहीं यूज किया जाता, वो कैसे पहचान कर सकते हैं कि भाई लकड़ी आप जो यूज कर रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी का? आपके बताना चाहूंगा कि ये तो पहले नेचुरल वुड है नहीं सर, जैसे कंपनी दो तरह के अगर बोर्ड बनाती है जैसे एक सेंचुरी हो गया ग्रीन प्लाई हो गया तो हम लोगों ने जो क्वालिटी मेंटेन जो किया
हुआ है, जो अपने प्रोडक्ट को बनाया हमने बेड को, वो ग्रीन प्लाई एमडीए बोर्ड की है सर। इसमें किसी भी शीशम सागवान लकड़ी का कोई उपयोग है नहीं सर। क्या होता फिर ये? जैसे ये वो एक लकड़ी का, जैसे बहुत सारे मटेरियल को लगा करके बना करके एक बोर्ड तैयार किया जाता है सर, जिसको एमडीए बोलते हैं, जिसको एमडीए मीडियम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। उसकी खासियत ये होती है कि सर उसमें घून दीमक नहीं लगता, कीड़ा फंगस नहीं। फाइबर मतलब फाइबर टेक होता है, आप ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी है, मजबूत कहते हैं। ये 14.5 mm की बोर्ड है भैया, जरा आप चढ़ेंगे एक बार और देख सकते हैं कि बीच में इसका कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं से भी हल्का सा भी लचीलापन कहीं से हिल नहीं रहा है। तो इस और दूसरी बड़ी खास बात क्या है कि देखिए आपको भी पता है कि आज के समय में अब लकड़ी रहा नहीं सर, जैसे लोग कहते हैं शीशम है, सागवान है, चाहे जो भी नेचुरल वुड की खाते, जो कि पहले जमाने में लोग आसानी से मिल जाते थे। लेकिन अब समय को देखते हुए कि हर जगह लकड़ी कट रही है, अब तो सर है नहीं। और सबसे खास बात क्या है कि लकड़ी को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम जिनको लकड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, हम उन्हें कहा शीशम है, ये सागवान है, तो ये कहना थोड़ा सा अंतर होगा सर। और दूसरी खास बात क्या है कि अगर आप एक लकड़ी का भी बेड बनाते हैं ना सर, तो इतना बड़ा जो हेड आप देख रही है, लगभग आपका 25 इंच का है और इसकी लंबाई जो है आप 6 इंच की, तो इतने बड़े बड़े लकड़ी तो मिलने नहीं सर कि उसको काट करके स्लिपिंग करके वो फिनिशिंग दिया जा सके। कि ग्रैंड ओपनिंग ऑफर के तहत ये ऑफर चल रहा है प्राइस में, तो ये बेड की कीमत है सर 87,690 रुपया, जिसमें कि 50% डिस्काउंट देने के बाद 43,808 और मैं आपके माध्यम से लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा आपके कस्टमर को कि अगर ये हमारा ओपनिंग है आज के डेट में, तो इस महीने के एंड तक तो इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा शोरूम की तरफ से। बिल्कुल सर, लेकिन पूरा मैचिंग का है। जैसे जो मैंने बेड का डिजाइन किया हुआ सेम वो कवर के ड्रॉर पे डिजाइन है, दूसरा ये आपका ड्रेसिंग पे भी डिजाइन है, जो कि आप लकड़ी के साथ जाएंगे तो ये चीज आपको मिलना नहीं है सर। जैसे कि ये भी मैंने दिखाया कि ये भी आपका फुल हाइड्रोलिक 6.5 किंग। ये सब काम जो होता है ना इसमें सामान रखने का महिलाओं का होता है, अगर अकेली घर में महिला हो तो ये उठाने में दिक्कत आएगी, तो हाइड्रोलिक सिस्टम है, आसानी से कोई भी रख सकता है। और दूसरी खास बात क्या है ना कि आपका ये कंपोज, जैसे अगर ये आप साइज देख रहे होंगे, एक बेड है, एक साइड टेबल है, एक चार पल्ले का कबर्ड है और एक सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल है, तो ये अगर आप अपने रूम में फिट करेंगे तो 10x10 का जो रूम है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक रूम के लिए, पूरा सेट ये फुल सेट रूम को बहुत ज्यादा पैक भी तो नहीं कर सकते मतलब। तो आप अगर देखेंगे कि 10x10 का भी रूम है, तो वो आसानी से ये पूरा बेडरूम सेट वो आपके जगह पे आ जाएगा सर। कितना होगा फुल सेट का प्राइस? फुल सेट का सर अभी आफ्टर डिस्काउंट के बाद अगर देखे जाए तो ये 1,10,000 रुपए का आएगा सर, डिस्काउंट के बाद जी 50% डिस्काउंट है, उसके बाद भी कुछ अगर एक महीने के अंदर लेते हैं तो यहाँ से डिस्काउंट आपको मिलेगा, कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हमारे ये शॉप जो कि जिनका फर्नीचर ये शॉप है जेपी फर्नीचर मिला, जो हमारे यहाँ के ऑनर है मिस्टर जयप्रकाश जी, उनके माध्यम से लोगों को कुछ और भी एडिशनल। क्या ऑफर दे रहे हैं आप? सर हमारा जो कंपनी प्राइस है, कंपनी के ऑफर को 50% है जो है वो है, हमारे को कमाने का ये लक्ष्य नहीं है, हमारी सेवा भक्ति का लक्ष्य है। तो किसी प्रोडक्ट में 10% है, किसी में 15% है, कस्टमर को खुश रखने की मेरी कोशिश रहेगी, ना कि हमें कमाने की कोई इच्छा है। तो ये ओपनिंग ऑफर का लाभ कब तक रहेगा? एक महीने तक, ये जब तक चलेगा तब तक रहेगा। अच्छा, जब तक चलेगा, अभी अलग से डिस्काउंट आपको मिलता रहेगा यहाँ से, बाकी कंपनी की तरफ से 50% डिस्काउंट। और थोड़ा सा दिखाएं ना कौन कौन से स्टाइल में फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है, सेटअप ये भी देख सकते हैं, एक रूम का डिजाइन ये भी है, थोड़ा सा दिखाएं इधर वो ड्रेसिंग दिखाएं। अभी तक आपको जितने भी बेड दिखाए वो सारे बेडों से ये थोड़ा सा अलग है, ये जरा सा फ्रेम हटा दीजिए ना। जैसे अभी तक मैंने आपको जो भी बेड हेड दिखाया वो सिंपल स्टोरेज में था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि हेड के तरफ में भी स्टोरेज है। तो जनरली क्या है ना कि छोटे सामान जैसे बेड सेट पिलो हो गया, आप इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं, और ये बीच में मैंने एक छोटा सा ड्रॉअर इंतजाम किया कि अपना मोबाइल वगैरह जो कुछ है आप इसमें रख सकते हैं सर। मतलब इस बेड की खासियत और डिजाइन ऐसी है कि आप देख सकते हैं सामने से कि कुछ भी जैसे यूज के सामान हो, सोफिस हो, फोटो फ्रेम हो, आप इसके सामने की ओर रख सकते हैं। मैंने फोटो में हाईलाइटेड करके दिखाया हुआ है कि आप चाहे तो इस बेड के ऊपर भी कुछ इस तरह से डेकोरेटिव कर सकते हैं सर। मॉडल मतलब मॉडल और डिजाइन आपको मिल सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल सकता सर। जैसे कि क्या है ना कि बोर्ड में भी, जैसे ये तो मैंने बताया कि नेचुरल वुड तो है नहीं सर, तो इसमें भी क्वालिटी बहुत सारी आती है, जैसे कि सी एमडीएफ है, ग्रीन वहाँ से घास बोर्ड बोलते हैं जिसको, पार्टिकल बोर्ड है, तो आप जो नेट के माध्यम से कर रहे हैं ना वो ग्रीन प्लाई मटेरियल में नहीं देती है सर कंपनी को, मैं आपके माध्यम से। उसमें क्या है ना कि घास बोर्ड जिसको इंजीनियरिंग वुड बोलते हैं, क्योंकि उसकी डिमेरिट क्या होती है ना कि जैसे कि अगर आप उसे एक रूम में कहीं सेट कर देते हैं और एक बार की जगह दूसरे जगह कहीं असेंबल करना चाहते हैं, तो वो क्या है ना सर लूज हो जाता है, मतलब वो फिट नहीं हो पाता, तो सारा का सारा ये नट बोल्ट पे टाइट किया हुआ। तो आप उसे एक बार की अगर 10 बार भी अगर खोलेंगे, बंद करेंगे, असेंबल करेंगे, डिसमेंटल, तो अपने जगह से कुछ होना नहीं है सर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये देखिए इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब 3 इयर्स तक कंपनी, 3 साल की गारंटी है, कुछ भी टूटा तो आपका टूटा, बिल्कुल बिल्कुल कंपनी प्रोवाइड करेगी। मान के चलिए ड्रॉअर हो गया, डॉग हो गया, चाहे कोई भी चीज। अच्छा, ये सब पार्ट पार्ट में जाता होगा घर पे या असेंबल करके जाता है? जैसे कि आप ये बड़ा सा एक बेड देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर ये आपने परचेस कर लिया तो कैसे जाएगा आपके घर, तो आपको निश्चिंत रहना है कि मतलब आपका स्टाफ कोई जाके घर पे सेट करेगा। ये सारा सेटअप है ना हमारे एक छोटे से कार्टून में आ जाता है, कि फिर हमारे कंपनी की तरफ से जो हमारे फिटर है वो आपके घर पे जाएंगे एड्रेस पे और फिर से वो बेड को असेंबल कर देंगे। अच्छा, ये जो एक साथ है जो पूरा सेट है, अगर कोई पार्ट पार्ट लेना चाहे, कोई केवल अलमीरा चाहे,
केवल पलंग चाहे तो अलग ले सकता है। कितना सेट था पूरा का? ये पूरा सेट आपको 1,50,000 आएगा, 1.5 लाख का डिस्काउंट। ये टीवी वाला सेट कितने का है? 47,900 सर, आपके डिस्काउंट के बाद। ठीक है, पटना ये डाइनिंग सेट का, ये डाइनिंग टेबल आपको डिस्काउंट करने के बाद सर, ये डाइनिंग टेबल 2,79,000 50% डिस्काउंट, 1,39,500 आएगा। इतना महंगा क्यों है? थोड़ा सा पीछे हटिए, आप देखेंगे कि नीचे पहले, सबसे पहले इसे बेस देखना होगा सर, ये एमडीएफ के ऊपर ये नीचे की आप जो कोडिंग की हुई है ना, ये सारा ब्रास है सर, फिर डिजाइन किया हुआ। और ये देखिए आपका ओनिक्स मार्बल है सर, जिसकी खासियत है, इसकी क्वालिटी है, जैसे चेयर बेस देख रहे हैं आप, देखिए मार्बल बहुत सारे के होते हैं, ओनिक्स मार्बल है, ग्रेनाइट है और इटालियन मार्बल है, तो सब मार्बल की अलग अलग खासियत है। फिर एक सोफा सेट है, जैसे बहुत सारे सोफे में क्या है ना कि अगर सोफा परचेस करते तो सेंटर टेबल आपको अलग से लेना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये पूरा कंप्लीट एक सेट है, जो सोफा है से मैचिंग करते हो, सेंटर टेबल है, दो पफ है और साथ में एक डिवाइडर है सर। और ये क्या है ना कि आपका 1, 2, 3, 4 पार्ट में सर, तो अगर आप चाहे तो अगर आपके जगह के अकॉर्डिंग आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, मान के चलिए ये पोर्शन आपका लंबा है तो आप वो छोटे वाले जो देख रहे हैं ना, आप इसको हटा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो ये चीज़ क्या है ना, ये लंबा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, हटा दीजिए। और दूसरा क्या है कि अगर आप सोफे पे बैठते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास हेड नहीं, तो ये आपका पीछे की ओर हेड सपोर्ट दिया हुआ है, ये सोफा आपका पूरा फुल लेदराइट में, स्वेट लेदर में है। इसे कितना प्राइस हो जाएगा? ये सर सोफे का प्राइस आ जाएगा 3,52,500, जिसमें कि 50% डिस्काउंट देने के बाद 1,76,250। बिहार झारखंड और ये बंगाल तो पूरा कवर कर लिया आपने? पूरा कवर कर लिया बस, मैं जल्द से जल्द अब उत्तर प्रदेश में भी आ गया हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कानपुर है और दूसरा हमारा ये शोरूम जो कि कुशीनगर में है सर। अच्छा, यूपी में दो जगह में हो गए सर। बाकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, बात करेंगे पहले हम लोग पूरा यहाँ का शोरूम विजिट कर लेते हैं। कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे जो कि पोज फर्नीचर है, जो गूगल पे जाकर के POJFurniture.com करें तो हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है सर आपको सारा का सारा ऑनलाइन दिख जाएगा। तो वहाँ पे क्या है ना, प्राइस भी है वो सारा, जैसे अगर आप बेड देखना चाहे, सोफा हो, डाइनिंग हो, एज इट इज कोई भी चीज हो, तो आप गूगल पे वेबसाइट पे वहाँ से बुकिंग भी कर सकते हैं। हाँ सर, आपको एक सुविधा और है कि अगर आप घर बैठे भी परचेस करना चाहेंगे तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है आप उसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका वेबसाइट दे दूंगा, आप उस पर जाकर कोई भी इसमें का जो भी पसंद है वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। बाकी ये तीन वो है ना, तीन डोर का, ये 3 डोर का, जैसे कि मैंने नीचे की ओर आपको वीडियो में दिखाया था कि 4 डोर का कवर था, ये 3 डोर का है। तो सर अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ये 4 डोर होगा, 2 डोर होगा, तो वो भी सर अवेलेबल है। क्या प्राइस होगा पूरा सेट? पूरा कंप्लीट बेडरूम सेट आपको आफ्टर डिस्काउंट 85,000 आ रहा है। 85,000 जो लकड़ी की बात हो रही थी, एमडीएफ प्लाईवुड नीचे हम लोग बात कर रहे थे, ये प्योर लकड़ी होगा? जी बिल्कुल, मैं अभी तक वही बात कर रहा था कि बेड में तो हमारे पास कुछ नेचुरल वुड का है नहीं, लेकिन ये डाइनिंग टेबल हमारे पास खुद का है, जो कंपनी अपने से खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये प्योर आपका शीशम का लकड़ी का बनाया हुआ सर। इसका प्राइस क्या हो जाएगा पूरा? इसका प्राइस सर आपको 1,32,800 है, जिसमें 50% डिस्काउंट के देने के बाद 66,400 है। उसके बाद भी कुछ शोरूम का अलग डिस्काउंट है। ऊपर जितने भी मैट्रेस लगी हुई है आप देख सक रहे हो, किसी 4 इंची है, 5 इंची, 6 इंची। अच्छा, इसमें वो जो अंदर थर्मोकोल टाइप का भर के दे देता है लोग? लोकल मार्केट में है, जैसे जनरली क्या है कि अगर लोकल मार्केट जाएंगे, जो रोड किनारे दुकान होती है उसमें क्या बिकता वो खुद हमें आज तक नहीं पता, लेकिन अगर किसी आप ब्रांड से परचेस करते हैं, जैसे कि दिख रहे होंगे कि हमने आपको पता बताया कि ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है, पोज का ही मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमारा जो मैट्रेस सर वो भी कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब आप देख सकते होंगे ये ऑर्थोमेडिकेटेड है स्पाइन मैट्रेस। इसमें क्या है ना कि अगर आप सोएंगे ना सर, जैसे कि एक ओल्ड एज हो जाने के बाद, एक समय के बाद लोगों को पेन वगैरह होने लगता है, लेकिन ये स्पाइनल मैट्रेस है और इसमें कंपनी 4 साल की वारंटी कवर करती है। ये आपको 5 इंची में, 6 इंची में आप देख सकते हैं, काफी सॉफ्ट है। और प्राइस एक बार बता देना। और प्राइस हमारा सर मिनिमम स्टार्टिंग है सर, जो कि ये 4 इंची का है, एक छोटी मैट्रेस आपको 9,617 रुपए का है। यहाँ आपका डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट है, लेकिन एडिशनल इसमें हर एक मैट्रेस पे 10-15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बेड की कीमत है जैसे आफ्टर डिस्काउंट ये आपका 1,07,000 का, 50% डिस्काउंट देने के बाद 53,500 का। ये कुशन जो हम लोगों ने यूज किया है, स्वेट फैब्रिक बोलते हैं। ये वॉश कैसे होता होगा? जीरो मेंटेनेंस है, मतलब लोगों का कहना है कि अगर बेड है, अगर सोते समय वो हेड में होले तो बार बार लग जाता, आप निश्चिंत रहे कपड़े में कॉलिन हो चाहे शैम्पू का घोल लगाकर एक कपड़े से हल्का सा इस तरह से वॉश करेंगे ना, आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये 62,500 आफ्टर डिस्काउंट। हाँ सर, बुक किताबें वगैरह रखने के लिए, ये आफ्टर डिस्काउंट 27,800 का है और एमडीएफ प्लाईवुड का है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 डोर है, ये 3 डोर है और जस्ट इसके बगल में सर ये आपका 2 डोर है। 2 डोर वाला आपको 21,700 आफ्टर डिस्काउंट। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि साइड में भी एक ड्रॉअर है क्योंकि पता नहीं चलता सर, और इसके हेड में भी इस तरह से स्टोरेज है। ये अलमीरा का केवल वार्डरोब अगर लेना चाहे कोई, कितना का आएगा सर? ये 2 डोर का अलमीरा है, अगर ये आप अकेले लेना चाहेंगे सिर्फ डोर, तो ये आफ्टर डिस्काउंट 26,220 रुपये। 26,220
ये टीवी यूनिट ये नीचे वाले से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। मतलब देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि टीवी का कोई साइज नहीं होता सर, जैसे कि किसी को 32 इंच रखना है, किसी को 42 हो, 50 हो, 60 हो, तो हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है वो तो है ही सर, क्योंकि इसमें आप 40 इंची से लेकर के 70 इंची 80 इंची तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड उससे भी बड़ी है तो आप मुझे समय देंगे तो कंपनी उसको काफ़ी कम समय में आपको। इसका प्राइस क्या है ये सर? इसकी प्राइस हो जाएगी 72,000, 50% डिस्काउंट देने के बाद 36,000 रुपये की। अच्छा, अभी तक जो सबसे अच्छा मुझे लगा ये देखें एक बार ना, पूजा घर कर सकते हैं, एक छोटा सा पूजा घर अपने घर में लगाने के लिए। जी जी, ये डिज़ाइन देखें, पहले तो देख के ही लगता है कि रिलीजियस टाइप का, थोड़ा सा अलग ही भावना आ जाती है मन में ये जो डिज़ाइन आपने किया है। इसका प्राइस क्या है आपने डिस्काउंट के? ये आपने डिस्काउंट सर 78,000 की, 50% डिस्काउंट देने पर 39,000 की, 39,000। और आप देख रहे होंगे पीछे की ओर मैंने इसमें लाइट भी लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी यहाँ पे लाइट है जिसकी वजह से वो दिख नहीं पा रहा था इसे, आप देखिए इसमें लाइट। और क्या है ना कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक मोम दिया जलाते समय, धूप जलाते समय धुआं अंदर की ओर है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरह से स्लाइडिंग डिजाइन किया हुआ, मतलब जो भी धूप दिया जलाना आप इसके ऊपर रखें और जब वो खत्म हो जाए तो आप इसको आसानी से अंदर। अच्छा, और नीचे की ओर में भी यहाँ पर स्टोरेज है कुछ पूजा की सामग्री, पूजा की जो भी सामान है वो इसके अंदर ही रहेगा, और ऊपर की ओर छोटे ड्रॉअर है सर। मैं बच्चे के लिए एक छोटा सा स्टडी टेबल दिखाना चाहूंगा, जो कि अभी बच्चे लोग टॉम एंड जेरी काफी पसंदीदा किरदार है, जो कि स्पेस सेविंग है। टॉम एंड जेरी को कुछ बड़े लोग भी पसंद करते हैं। इसका कितना? 13,945 आपके डिस्काउंट, ये 13,945 रुपए की आएगी। इसको छोटा भी कर सकते हैं आराम से। अब मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूंगा सर, आप देखेंगे कि सोफा कम बेड है सर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर घर में गेस्ट आ गए तो आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो देखेंगे कि ये बेड हो जाएगा। इसके अंदर स्टोरेज भी है सर। अच्छा, इसमें स्टोरेज भी है? हाँ सर, देखिए जैसे दीवान बेड में होता है, जैसे दीवान बेड में होता है। उसके बाद क्या है कि अगर मुझे इसको बेड बनाना हो। अच्छा, ये अब डबल बेड हो गया। ये देखिए, ये आपका क्या है कि डबल बेड हो गया सर, इसमें जो कि दो लोग आसानी से आराम से, जब घर में गेस्ट वगैरह जब बढ़ जाए या गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाए। स्पेस सेविंग फर्नीचर है सर। आप इसमें देखेंगे कि कम स्पेस में काफ़ी मल्टी ब्रांड हो गया सर, आप इसे जब चाहे सोफा बना सकते हैं, जब चाहे आप इसे बेड बना सकते हैं। जैसे कि नीचे की ओर में आपने देखा कि सारा मिक्स है, सोफा है, डाइनिंग है, सेकंड फ्लोर में देखा हमने, ये हमारा थर्ड फ्लोर पर आप देख रहे हैं सारा ऑफिस सेक्शन है। यहाँ पे सब ऑफिस में जो भी फर्नीचर यूज किए जाते हैं, जैसे ऑफिस चेयर देख सकते हैं आप और सोफा वगैरह देख सकते हैं। इसका प्राइस बताना एक बार ऑफिस सेट का। सर ये ऑफिस टेबल हमारा ये एल शेप में आएगा, जिसका कि ये 6 फीट में भी अवेलेबल है, 5 फीट में भी अवेलेबल है, और इसका एक तीन का सेट आता है सर। आप इधर से दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक एल का एक डिवाइडर है जहाँ पे हम सिस्टम आप रख सकते हैं, फाइल वगैरह रख सकते हैं इस पे। हाँ, जो कि वो फिक्स नहीं है, वो आप अपनी जगह के अकॉर्डिंग वो आपको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ये 3 डोर का एक लॉकर भी है और एक 3 डोर का लॉकर है सर। आप ये वाला ऑफिस टेबल आफ्टर डिस्काउंट करने के बाद 42,400 आएगा सर। 42,000 का ये चेयर के साथ? नहीं, विदाउट चेयर सर। विदाउट चेयर कितने का है? मतलब चेयर हमारे पास रिवॉल्विंग में 3,500 से स्टार्टिंग है और 30,000 तक का है। तो ये 11,499। हाँ, ये जो लगी हुई है सर रिवॉल्विंग है, ये 22,998 50% डिस्काउंट के बाद 11,499 का। ये हमारे पास 4 फीट, 5 फीट और 6 फीट में अवेलेबल स्टॉक है। लेकिन अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो कि इससे बड़ा हो, छोटा हो, तो हम उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा ये 28,495 आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 28। ये केवल टेबल? सिर्फ टेबल आएगा सर। ये सब चेयर कितने का आ जाता है? ये सब चेयर जो विजिटर है सबका अलग अलग रेट है। जैसे ये आपका 5,500 का आएगा, ये आपका 4,000 रुपये का आ रहा है, और ये आपको मीडियम रेंज का जैसे कि 2,2700 ये आपका मॉडल। अदरवाइज और भी बहुत सारे सोफा सेट के बारे में बता दे थोड़ा सा। ऑफिस कस्टमाइज के हिसाब से ये सोफा है सर, जो कि जनरली एक 3 सीटर सोफा का साइज 6 फीट से 6.5 फीट होता है, लेकिन ये सोफा आपको 5.5 फीट में है ऑफिस में रखने के लिए। ऑफिस में मतलब कम जगह के लिए इसको काफी अच्छे सर। आप 3 जन भी बैठेंगे ना तो इसमें फिर भी स्पेसियस है सर। आप देख सकते हैं मेरे बैठने के बाद इतना सारा जगह इसमें खाली है कि 2 लोग और भी आसानी से बैठ सकते हैं सर। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ये देख रहे हैं आपने ब्लैक कलर को, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं इसके अलावा कलर कोई और भी ऑप्शन हो, तो आप यहाँ पे जो भी सोफे का कलर देख रहे हो। कितना टाइम लगेगा अगर कस्टमाइज करवाएं? अगर कस्टमर सोफा ये पसंद करते और फैब्रिक उनको चाहिए होता अलग कलर में, तो 10 से 15 दिन में कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो लोग वीडियो में देख रहे हैं जिनके पास जिनके शहर में इस तरह का आपके फ्रेंचाइजी नहीं है, शोरूम इस तरह का अवेलेबल नहीं है, वो अगर चाहते हैं कि भाई उस शहर में हम इस तरह का शोरूम खोलें आपके ब्रांड का, वो कैसे वो आपसे संपर्क करें? इसलिए अगर वो संपर्क करें हम लोगों से, तो हमारी टीम है वो जाएगी, पहले सर्वे करती है, उस एरिया को विजिट करती है, देखती है कि हमारा क्या रिस्पांस आएगा, फर्नीचर का क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं है कि कोई बोले और मैं कर दूँ, जब तक अपने को सर्टिफिकेशन नहीं मिले कि हाँ इस एरिया पे चलेगा, तभी अपन लोग वहाँ पर। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि आप लगभग बिहार के, तो मैक्स बिहार झारखंड और बंगाल में मैक्सिमम जगह फ्रेंचाइजी आपके अवेलेबल है, उड़ीसा एवरीथिंग है, बाकी और जगह भी आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर चल रही है। आपको विद इन 1 मंथ में 22 शोरूम अभी एक्सक्लूसिव आ रही है अभी इसी मंथ में।
मतलब कैसे लोग आपसे संपर्क करें अगर कोई चाहता है कि भाई हमें यूपी में और कहीं जगह पे या और दूसरे स्टेटों में कुछ फ्रेंचाइजी ओपन करना है? हमारे वेबसाइट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, वो लड़का मेरे से टचिंग कराता है, अपन लोग बात करते हैं और उसके बाद टीम जाती है, देखती है, फिर लास्ट में फिर खुद मैं जाता हूं। क्या आप लोग देखते हैं कि जो फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम एरिया क्या होना चाहिए? एरिया मिनिमम 4,000 चाहिए अपने को कम से कम, और ऑब्वियसली एरिया हम लोग देखते हैं, अगर शहर से थोड़ा सा भी बाहर है तो अपने लोग वो ऐड से और इससे हम लोग उसको कस्टमर को ले आते हैं, और चीज़ें इतनी अच्छी है कि नो डाउट कस्टमर खुद ही चल के आ जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट देखो, मैं कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं लेता, मैं उतना ही पैसा लेता हूँ जितना उसका माल, मैंने जो भी गुड्स दिया है मैं उतना ही चार्ज करता हूँ। अलग से कुछ भी? अलग से कोई एक पैसा नहीं लूँगा, कुछ ब्रांडिंग करता हूँ और उसके बाद अपन लोग ऐड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, टीवी ऐड है, पेपर ऐड है, होर्डिंग है, ये सब मार्केटिंग का सपोर्ट आपके तरफ से, और उसके बाद हमारा मेन पावर जो लड़का एकदम फुल मतलब अपनों जैसा काम करना, उनको कभी फील होने नहीं देता कि आप एक बिजनेस पार्टनर होने जा रहे हैं, आप मेरे फैमिली मेंबर होने जा रहे हैं, हम लोग ये फील कराते हैं। चाहेंगे कुछ भी आपका इंक्वायरी हो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड या यहाँ शोरूम से रिलेटेड, शोरूम का भी नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ का, और फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करना चाहें तो मैं भैया का, इनकी टीम का नंबर दे दूंगा, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने ब्लॉग से, नमस्कार।